हेलो दोस्तों, अगर आप एक युवा हैं तो आपको वक्ता बनना ही चाहिए। इसके लिए आप जोरदार तरीके से बोलना सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए आईने के सामने। अकेले में बोलना सीखिए, जोरदार तरीके के साथ भाषण को शुरू करना है तो शुरू में आप ऐसी शायरी बोलिए जिस शायरी के अंदर ऐसा दम हो। दो तीन शायरी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आपने पूरी प्रैक्टिस के साथ इन शायरियों को बोल दिया तो बिना कहे लोगों की तालियां बजेंगी। इस शायरी से आप अपने भाषण की शुरुआत कर सकते हैं। रंग भरने से कोई तस्वीर नहीं बोलेगी, मौत दिखती है पर मुंह नहीं खोलेगी। रंग भरने से कोई तस्वीर नहीं बोलेगी, मौत दिखती है मगर मुंह नहीं खोलेगी। माना कि मेरी आवाज़ में अमृत तो नहीं है मगर मेरी आवाज़ जहर भी नहीं घोलेगी। एक बार जोरदार तालियां चाहूँगा आज के इस माहौल के लिए, आज के इस कार्यक्रम के लिए। आज इस मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि और नौजवान साथियों का पूरे जोश के साथ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस तरह से आपकी आवाज़ में शुरुआत में जान होनी चाहिए। दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा कि शब्दों से ज्यादा आपके जिगर में जान होनी चाहिए। दिले बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। दिले बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। या रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को वो हवाएं दे दे। सबसे पहले परमपिता परमात्मा को नमन करके आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम सब भावनाओं से एक होकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। इस तरह से शुरुआत कीजिए, इस शायरी से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। जिंदगी में न कोई राह आसान चाहिए, न कोई अपनी खास पहचान चाहिए। जिंदगी में न कोई राह आसान चाहिए, न कोई अपनी खास पहचान चाहिए। बस एक ही दुआ मांगते हैं रोज ईश्वर से, आपके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान चाहिए। तो कुछ भी बोलने से पहले, अपने भाषण की शुरुआत से पहले, मैं चाहूंगा कि एक बार मुस्कान के साथ आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए। एक अच्छी सी स्माइल सबके चेहरे पर होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि बढ़ जाती है कई गुना खूबसूरती महज मुस्कुराने से, मगर हम लोग बाज नहीं आते मुंह फुलाने से। तो इसी के साथ मैं आज के हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का अभिनंदन करता हूँ। इस शायरी से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तोहफे के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है, मैं गूंगा था अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। सबसे पहले परमपिता परमात्मा को नमन करता हूँ, विद्या की देवी माँ शारदा को नमन करता हूँ और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जनों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम लोग भावनाओं से एक होकर यहाँ से प्रण लेकर जाएंगे कि हमेशा एक रहें, मिलकर रहें। इसके बाद ये शायरी से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा जय श्री राम रटता हूँ, अल्लाह वाहे गुरु ईसा ईश्वर का नाम भजता हूँ। जय श्री कृष्णा जय श्री राम रटता हूँ, अल्लाह वाहे गुरु ईसा ईश्वर का नाम भजता हूँ। सर झुकाकर सभी को प्रणाम, सत श्री अकाल, हैप्पी गुड डे, अस्सलाम वालेकुम करता हूँ। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है और आज आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया। इस तरह से दोस्तों शुरुआत कीजिए, आप अपना भी दिमाग लड़ाइए। एक अच्छे वक्ता की निशानी है ये कि वह अपने विचारों को बोलता है और भावनाओं से बोलता है, वो एक अच्छा वक्ता होता है। बने रहिए स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको भाषण देना सीखना हो या किसी भाषण या संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।